नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको असली ध्यान, असली मेडिटेशन, आप स्वयं एग्जैक्टली असली में कौन है उसकी पहचान कराएगा। बस धैर्य रखकर ये छोटा सा वीडियो आपको बड़ी शांति और प्रेम से देखना पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अपने अंदर एक नई प्राण ऊर्जा का अनुभव करेंगे। देखिए, हम पूरे जीवन भर एक ही धोखा खाते रहे। हम खुद को मैं समझते रहे, कौन है ये मैं? कभी आपने गौर से सोचा, किसको आप मैं समझते हो? शरीर को? हर पल बदलने वाला शरीर मैं कैसे हो सकता है? बचपन में ये शरीर कैसा था? जब आप थोड़े युवा हुए तो कैसा हुआ? जब और भी उम्र बीती तो कैसा हो गया? वृद्धावस्था में कैसा हो जाता है? ये पल प्रतिपल बदलने वाला शरीर मैं कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो बदल रहा है, ये तो पैदा हुआ। कुछ सालों पहले तो इस दुनिया में था ही नहीं, और कुछ सालों के बाद ये इस दुनिया में रहेगा भी नहीं। ये तो पैदा हुआ, पल प्रतिपल बदलता रहा और एक दिन मिट जाएगा। तो फिर क्या हम हमारे भीतर चलने वाले विचार हैं? कदापि नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये विचार भी बदलते रहे ना। जैसे कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, ईसाई बन जाता है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कल्टों में, कल्चरों में शामिल हो जाता है, उसकी विचारधारा बदल जाती है। तो क्या ये बदलने वाले विचार हम हैं? हमारे विश्वास भी बदलने लगते हैं। तो ये बदलने वाले विचार हम कैसे हो सकते हैं? ये तो आप किसी से भी प्रभावित हुए और आपके विचार तत्क्षण बदले। तो हम बदलने वाला शरीर और बदलने वाले विचार कभी नहीं हो सकते। हम तो केंद्र में हैं, केंद्र में है, केंद्र में जो ऊर्जा दमक रही है, चमक रही है, जिसकी वजह से ये शरीर खड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये विचार पनपते हैं, पैदा होते हैं, आते हैं और जड़ें जमाते हैं। हमारे शरीर के अंदर केंद्र में जो ऊर्जा निहित है वो असली हम है। वो ऊर्जा क्या कर रही है? इन विचारों को और इन शरीर को विटनेस कर रही है, इन बदलने वाले शरीर को विटनेस कर रही है, देख रही है, कोई अंदर से देख रहा है। ये जो अंदर से देख रहा है ना कोई, ये जो ऊर्जा अंदर विराजमान है ना कोई, यही तो हम हैं। अब इस ऊर्जा का कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, ये तो निराकार है। यही तो ब्रह्म का वो अंश है जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। ये नहीं रहे, ये चली जाए, ये समाप्त हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती ना तो हम बोलते ना, इनके प्राण निकल गए, प्राण ऊर्जा निकल गई। यही ऊर्जा जो अंदर विद्यमान थी ये निकल गई, ये शिफ्ट हो गई, ये कहीं चली गई। तो जब ये चली गई तो ये शरीर मृत हो गया, विचार उठने बंद हो गए, हम न रहे, हम मृत हो गए, हम धूल मिट्टी बन गए, हम जला दिए गए, हम पानी में बहा दिए गए, हम जमीन में दफन कर दिए गए। यानी हमारा जो अस्तित्व है वो इस ऊर्जा की वजह से है। अगर ये इतनी सी बात हमारे जहन में 24 घंटे रहे कि हम तो सिर्फ साक्षी हैं इस जीवन के,
इस जीवन में चलने वाले तमाशे को हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ देखने वाले हैं, हम तो सिर्फ साक्षी हैं। वी आर जस्ट विटनेसिंग द होल ड्रामा, जो शुरू हुआ है, जो चल रहा है, जो खत्म हो जाएगा। तो इस देखने वाली ऊर्जा से जितनी जान पहचान हो जाए, जितना समझ में आए, जितना अधिक से अधिक आप इस देखने वाली ऊर्जा में मौजूद रहेंगे, उतना ही आप आनंद में रहेंगे। और अगर आप हमेशा इस मौजूद ऊर्जा में रहेंगे, इस ऊर्जा में हमेशा स्थित रहेंगे, तो आप आनंद में नहीं, आप परमानंद में रहेंगे। परम आनंद का मतलब ही यही कि जो 24 घंटे अपनी आत्मा में निहित रहता है वो आनंद में रहता है, और जो मन में चला जाता है वो दुखों में डूब जाता है, संसार में डूब जाता है, चिंताओं, पीड़ाओं, बीमारियों, थकान में डूब जाता है, प्रतियोगिता की दौड़ में डूब जाता है। जितना आप अपने केंद्र में रहेंगे, जीवन उतना ज़्यादा बैलेंस होता चला जाएगा। जितना सेंटर में रहोगे ना, उतना निरोगी रहोगे। जितना केंद्र में रहोगे उतना जीवन में प्रगति होगी। ये अद्भुत है, हम केंद्र से भटक जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पेट में दर्द होता है, उसकी नाभि का केंद्र डिसबैलेंस हो जाता है, फिर कुछ विशेष प्रक्रियाओं से नाभि को उसके केंद्र में सेट कर दो तो व्यक्ति निरोगी होने लगता है। आपको कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, आप देखना आपकी नाभि अपनी जगह से हट जाती है, शिफ्ट हो जाती है। जरूरी नहीं कि आपको पेट दर्द हो रहा हो तभी नाभि हट गई, यानी केंद्र से आप कहीं इधर उधर हो जाते हो तो वो शरीर के स्वास्थ्य का केंद्र है नाभि। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसको कैसे हमेशा केंद्र में स्थित रख सकते हैं, बहुत आसान विधियाँ हैं। इसी तरह से हमारे शरीर का केंद्र है हृदय चक्र। हमारा हृदय चक्र, हृदय के बीचों बीच का वो स्थान जहाँ पर रहकर हम इस जीवन को विटनेस कर रहे हैं, इस जीवन के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र इसी से पैदा हुआ, दर्शन करने वाला शास्त्र, दर्शन करवाने वाला शास्त्र। दर्शन, दर्शन कौन करेगा? दृष्टा। दृष्टा कौन है? हम। ये गहरे में बिठा लो कि हम विचार और शरीर नहीं, इसे समझाने के हजारों हजार तरीके। हम केंद्र बिंदु हैं, हम दुखी कैसे हो सकते हैं, हम निराश कैसे हो सकते हैं, हम परेशान कैसे हो सकते हैं। इन बातों को बड़े गहरे में समझना होता है। जब आप ये जान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, तो सिवा आनंद के जीवन में कुछ भी नहीं बचता। लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए, आप निर्भर हो जाएंगे, आप बड़े आनंद में डूबते रहेंगे और आपको जीवन में मजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने शांति और प्रेम से मुझे सुना।